सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ जो कि उमरिया से और उमर सॉरी उमरिया से बोल रहा हूँ, अभी कटनी से। और ये मेरा बैग, और जहाँ पर रुका हुआ था ये फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है, इको। क्या अच्छा, इको नहीं, इको कुछ लिखा हुआ है वहाँ, इको टूरिज्म। हाँ, इको टूरिज्म है। और ये रही अपनी साइकिल, लगता है मेरे को आज भी हवा उतर गई होगी मेरी साइकिल की। हुआ था उसके आजू बाजू पूरा खाना जंगल है, हल्के से दूरी में यहाँ पर हाईवे रोड है जो कि जबलपुर की ओर जाएगा। और ये रहा यहाँ का जंगल। साइकिल पकड़ के हम निकलते यहाँ से जो कि जबलपुर की ओर। और भाई ठंड बहुत लग रही है सुबह सुबह, इसलिए मैंने जैकेट भी नहीं उतारा, रास्ते में उतार लेंगे। तो मैं जहाँ था वो इको टूरिज्म, यहाँ रुका हुआ था वनमंडल कटनी, और भाई यहाँ अंदर रुका हुआ था। तो चलो ये गेट को बंद करते। ये होगा बंद। ये रही अपनी साइकिल, और ये रास्ता पकड़ के मुझे सीधे जाना जो जबलपुर जाएगा, और ये कटनी शहर के अंदर जाएगा ये रोड। चलो कटनी को बाय बाय बोलते हैं। यहाँ से जबलपुर 91 किलोमीटर है, और सिवनी यहाँ से 200 यानी 36 है, 236 पूरा हाईवे जो कि जबलपुर से मैहर रीवा सतना की ओर जा रहा है। और ये रहा आगे जो जबलपुर जाएगा। तो यहाँ से सिहोरा जो कि 40 किलोमीटर है जबलपुर यहाँ से, 96 किलोमीटर है लखनऊ यहाँ से। भाई बहुत लंबा यार, 170 यानी 170 इसलिए बोल रहा क्योंकि 2 किलोमीटर कहाँ चल जाता, कुछ समझ में नहीं आता। चेक पोस्ट है, और ये वन का है यानी वन विभाग का चेक पोस्ट है। तो चलो मैं तो निकल गया हूँ जबलपुर की ओर, और यहाँ से जबलपुर वहाँ कुछ और दिखाता है, और भाई यहाँ कुछ और दिखाता है, क्या बताए किसका यकीन करे। और चलो समझ लीजिए यहाँ से 90 किलोमीटर 90-100 किलोमीटर है, तो थोड़ा सा साइकिल थोड़ा सा भगाना पड़ेगा या खींचना पड़ेगा, या तो ऐसा कुछ रॉकेट बनाना पड़ेगा साइकिल को जो कि शाम होने से पहले जबलपुर पहुंच जाए, और खूबसूरत व्यू को देखते हुए आगे निकलते हैं अब। अभी जहाँ मैं हूँ ना, धन गांव में हूँ, और करीबन मैं यहाँ से कटनी 50 किलोमीटर हो चुका है, 40 किलोमीटर 41 किलोमीटर, और मैयर रीवा पीछे रह गया। और भाई मैं आ गया जो कि धनगांव में, और इधर रहा जबलपुर। भाई थका दिया यार, यहाँ से किसी ने मुझे फ़ोन किया था तो यहाँ गए कि आगे है, उनसे कॉल में बात करना पड़ेगा, तो उन्हें मैं कॉल करता। कल चलाते चलाते 41 किलोमीटर आ चुका हूँ, और जबलपुर यहाँ से और 59 यानी 59 किलोमीटर रह चुका है। भाई साहब थका दिया है। और सिहोरा के आगे एक मन गाँव ऐसा कुछ है, वहाँ पर मुझे रुकना है। वहाँ पर कोई एनजीओ वाले ने मुझे कॉल किए थे, तो उनके पास रुकना है मुझे। जब कटनी से जबलपुर की ओर जा रहा था तो बीच में मुझे कुछ भैया लोगों का कॉल आया था, तो मैं वहाँ रुक गया था। तो ये भाई साहब, ये कौन सी संस्था है? मेरा नाम गणेश यादव है जी, और मैं मोहल्ला का रहने वाला हूँ जी। संस्था सेवा नाम है इसका, और ये
जल जीवन और जमीन के बारे में इधर ये सब होता है ना। और ये तो मैं यहाँ पर पहुँचा, भाई लोगों ने खाना बना के रखे थे, बट इन्हें नहीं पता था मैं सिंगल हूँ, इन्हें पता था कि दो तीन लोग व्यक्ति है करके। तो मैं जस्ट यहीं से आगे 2 किलोमीटर आगे जा चुका था, फिर उसके बाद रिटर्न आया, साइकिल वहाँ रखा, यहाँ फ्रेश फ्रेश होके खाना पीना खा के अब मैं यहाँ से निकल रहा, जो कि अभी एक बज चुका है, क्योंकि मुझे जबलपुर जाना है। और ये देखो, जल जंगल और ज़मीन, इनका भी वही संदेश है, अब मेरा भी वही संदेश है। तो सर लोगों ने मुझे कॉल किए हुए थे और फिर मैं यहाँ आया, तो जिनसे मेरी बात हो रही थी मैं उनकी फ़ोटो लगा दूंगा, वो तो अभी है नहीं है, वो तो कटनी निकल गए। तो चलो अब मैं यहाँ से आगे जाता हूँ, जो कि मुझे जबलपुर यहाँ से समथिंग 61 किलोमीटर है, 61 किलोमीटर है। तो चलो पता नहीं आज का समय कैसे गुजर रहा है, 45 किलोमीटर रह चुका है जबलपुर यहाँ से, और मेरी नाक बहुत परेशान कर रही है मुझे आज। साइकिल चलाते चलाते भाई हालत तो ख़राब होती है, लेकिन यहाँ से जबलपुर 34 किलोमीटर है। और ये मेरी नाक देख रहे ना, इसने भाई हालत ख़राब कर दी है, मुझे सर्दी हो गई है बहुत ज़ोर के, कल पता नहीं मैंने कहीं का पानी पिया था, पेट्रोल पंपों का ही पानी पीता हूँ अक्सर, तो मुझे पानी छूटने हुआ, मुझे सर्दी हो गई, और सर इतना भन्ना है टाइप का लग रहा है। तो चलो और 34 किलोमीटर खींचते। और भाई मौसम की बात करें तो मौसम थोड़ा साथ दिया, बट एकदम से इधर का मौसम बदल चुका है। और बहुत समय के बाद मैं अभी रुका हूँ, एक छोटा सा तालाब दिख गया था, तो एक ये झोपड़ा दिखा, तो सोचा यहाँ रुक जाओ थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और फिर यहाँ से निकल जाऊँगा, जो कि यहाँ से समथिंग और जबलपुर यहाँ से और लगभग जो कि बोल सकते हैं 20 से 25 किलोमीटर है, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, इसलिए एक ब्रेक लेना ज़रूरी था। और आलसी भी आने लगी साइकिल चला चला के, रेस्ट करके साइकिल पकड़ के फिर जबलपुर निकलेंगे। दोस्तों पता ही नहीं चला कि मैं जबलपुर कब पहुंच गया, और ये रहा जबलपुर अंदर, आगे सीधे लखनादौन सिवनी की ओर चल जाएगा। तो मुझे अंदर चलना है, अंदर जाना है, बट पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कुछ ऐसा मुझे भी नहीं पता। तो पहले तो जबलपुर के अंदर चलते, और मेरी हालत ऐसी हो रखी है ना, मत पूछो, मैं बहुत थक गया हूँ। तो यहाँ से जबलपुर 11 किलोमीटर अंदर है, जबलपुर नगर में आपका स्वागत है भाई साहब, ट्रैफिक सिटी को कोतवाली। Continue on Mandala, Jabalpur Road for 1 kilometer. तो गुड मॉर्निंग, मैं जबलपुर से अभी जो कि मंडला की ओर निकल रहा, रात का वो मैंने वीडियो बनाया नहीं ज़्यादा, मैं रात को जबलपुर पहुंच के रुक गया था, अभी जबलपुर से मैं मंडला की ओर निकल रहा, और ये बाईपास है, यहाँ से सीधे पकड़ के सीधे मुझे निकलना है।